दोस्तों, जवा राइडर कोलकाता में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की जो टूर होने वाली है ये कोलकाता से बेलपहाड़ी की होगी। और ये टूर जो है मेरा मेरे जीवन का जो है पहला सोलो टूर होगा। तो आप पूरे सीरीज में बने रहिए। बेलपहाड़ी में बहुत सारे ऐसे ऑफ बीट ऑन बीट जगह हैं, प्रसिद्ध और नॉन प्रसिद्ध जगह जो हैं वो सारे जगह हम एक्सप्लोर करेंगे। और काफ़ी डीपली आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो अब तक आपको कोई ब्लॉगर के द्वारा नहीं दिखाया गया होगा। तो आप इस सीरीज़ में पूरे बने रहिए। आपसे मिलते हैं अब आगे। दोस्तों, अभी देख सकते हैं, अभी सुबह के 5:06 हो गए हैं और हम रेडी हो चुके हैं अपने बाइक के साथ बेलपहाड़ी जाने के लिए। आप देख सकते हैं, यही जो है मेरा घर है और ये बाइक जो है मेरा जावा 42 और एक लगेज है। और यहाँ से डिस्टेंस जो है बेलपहाड़ी का मोबाइल में जो दिखा रहा है 3 घंटा 56 मिनट, 198 किलोमीटर। तो चलिए यात्रा जो है अब शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, अब स्टार्ट मैप करते हैं। अब यात्रा जो है यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, बाबा लोकनाथ की जय हो। ये दक्षिणेश्वर मोड़ पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं, यही मोड़ जो है दाहिने तरफ दक्षिणेश्वर मंदिर की ओर चली जाती है। और ये अब सीधे जो है बाली ब्रिज के ऊपर उठेगी। तो आप देख सकते हैं, ठीक सुबह के टाइम में अभी भी अंधकार है और ठंडा भी अच्छा खासा है। तो बाली ब्रिज कितनी सुंदर लग रही है अभी देखने में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी जो है जंगलपुर पहुंच चुके हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गाड़ी जो है 50-60-70 से आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और अब धीरे धीरे जो है सुबह हो रही है, थोड़ी सी प्रकाश जो है अब आई है। ये जो सामने टोल देख रहे हैं ये धूलागढ़ टोल है। और जितने भी साउथ इंडिया से जितने भी गाड़ी आते हैं, सारे गाड़ी जो कोलकाता में जो जाते हैं साउथ इंडिया से आकर के इसी टोल से गुजरते हैं। इसके अलावा अदर्स कोई रास्ते नहीं है। अगर कोलकाता जाना है जो साउथ के तरफ की जितने भी गाड़ियां हैं तो इसी टोल से आती हैं। तो ये टोल जो है पश्चिम बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो दोस्तों, अभी जो है कुलगछिया क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं इधर में कुहासा कितना लगा हुआ है, पूरा कुहासा भरा हुआ है। कैमरा में कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं है। और जितना मतलब सुबह हो रहा है उतना ठंड हमको ज़्यादा लग रहा है। तो सुबह ठंडी के टाइम में एक चीज़ है कि यात्रा करने का मज़ा ही कुछ और है। और ख़ास करके आप जब मॉर्निंग में जब आप यात्रा स्टार्ट करते हैं 5 बजे 4:30 बजे जब अपने घर से निकलते हैं, तो आपकी आपको जो है पूरा हाईवे में सब जगह जो है पीला सिग्नल मिलेगा, कहीं रेड मिलने वाला नहीं है। सारा रात जो है पीला सिग्नल रहता है, आराम से आपको कोई सिग्नल पर रुकना नहीं है, आराम से आपको आगे आगे की ओर आप बढ़ते रहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा जीवन का पहला सोलो ट्रिप है। दूरी भी काफ़ी कम है, 200 किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो देखते हैं एक्सपीरियंस क्या रहता है, ये तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप बाएं साइड में देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी पिलर जो है, ये क्या चीज़ बन रही है। बहुत दिनों से हम कई बार इस रास्ते से गए हैं तो ये देखे हैं, मतलब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर देख करके ही आश्चर्य लगता है। तो कौन सी फैक्ट्री है या कोई अदर्स टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बनाया जा रहा है, अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखता हो तो कृपया जो है कमेंट करके बताएं। और रास्ते जो है पूरे एकदम फाका है, क्लियर रास्ते हैं, आराम से गाड़ी जो है 190 में भगा रहे हैं। तो बस अब जो है कोलाघाट जो है
पहुंच रहे हैं, ये देख रहे हैं जो ब्रिज अब उठ रही है, ये कोलाघाट की ब्रिज है, लेकिन आज जो है यहाँ पे स्टॉपेज नहीं होगी अपनी, सीधे हम रुकेंगे खड़गपुर। और देखिए कितनी कुहासा लगी हुई है और सनराइज भी जो है अब कुछ देर में जो है होने ही वाली है। तो ये रही हम सब की प्यारी कोलाघाट ब्रिज। तो आप देख सकते हैं मेरे बाएं तरफ, देखिए जो मेरे पीछे वाले वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा इस ब्रिज के बारे में, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर के हम कई वीडियो बना चुके हैं। तो अभी जो है पूरा कुहासा लगी हुई है और आप देख सकते हैं वहाँ से ट्रेन भी, एक जो है लोकल ट्रेन भी आ रही है। ये लेफ्ट साइड जो रास्ते ये वाले देख रहे हैं, यही दीघा चली जाती है, दीघा मंदर मनी हल्दिया, और हम लोग सीधे चले जाएंगे खड़गपुर की ओर। कहीं तो रे जब ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप किसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और ठंड लग रही है, तो सोच रहे हैं चलो कुछ कुछ गाना गाते गाते आगे की ओर बढ़ूं, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब लग रहा है कि रोके गाड़ी और थोड़ा आग उग जो है हाथ में आग तापे, क्योंकि पूरा हाथ जो है, ग्लव्स है नहीं, ग्लव्स मिला नहीं, तो पूरा हाथ जो है बर्फ हो चुका है एकदम। लेकिन हम सोचते हैं कि जितना सुबह के टाइम में जितना आगे की ओर बढ़ जाएंगे उतना मेरे लिए लाभदायक होगा, हम काफ़ी जगह जो है एक्सप्लोर कर पाएंगे आज के दिन ही, और बाकी बचे जो है कल के दिन एक्सप्लोर करेंगे। अगर कल एक्सप्लोर टोटली कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहाँ से कल हम निकल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रास्ते का नज़ारा देखिए, अभी कोलाघाट से लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं खड़गपुर की ओर, और जितना आगे बढ़ रहे हैं उतनी रास्ते जो है एकदम ट्रैफिक लेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सनराइज हो चुकी है, सूर्यदेव कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी पांसकुरा के आसपास आ चुके हैं और ये सामने में धान की खेत, और धान की खेत के बाद आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे वन है और उस साइड में गांव ही होगा, और कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। यही नज़ारा पाने के लिए जो है हम लोग व्याकुल रहते हैं। तो ये टोल जो आप सामने देख रहे हैं ये डेवरा टोल है, डेवरा, इस टोल की नाम जो है डेवरा है। अब खड़गपुर जो है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, अब मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो हैं प्रवेश कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों अब जो है आप प्राकृतिक दृश्य का मजा लीजिए। खड़गपुर वाले स्ट्रेच में ये जगह जो है रास्ते के दोनों तरफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, मतलब प्रकाश पड़ने के बाद ये इलाका इतना सुंदर लगता है। पूरी मतलब खाली टाइप की एरिया है, खेती की एरिया है, और अब जो है खड़गपुर के काफी समीप जो है हम आ चुके हैं। उंगली तो भैया पूरा सुन्न हो गया हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो सामने देखिए खड़गपुर, बाई ओर बालेश्वर सीधे। तो खड़गपुर से जो है मैप जो है शॉर्टकट बता रहा था मिदनापुर के भीतर से, लेकिन वो रास्ता पकड़े नहीं। अभी ये जो मुंबई वाला रास्ता है जो टाटा जमशेदपुर टाटा जाती है, उस रास्ते में प्रवेश कर चुके हैं।
यही रास्ता जो है सीधे लोधा सुली जाएगी, और लोधा सुली जाने के बाद वहाँ से जो है दाहिनी ओर हम लोग मुड़ जाएंगे, दाहिनी ओर हम मुड़ेंगे सॉरी। देख सकते हैं नागपुर 1000 किलोमीटर, संबलपुर 446, तो अब पीछ वाली रास्ते जो है समाप्त हो चुकी है, अब यहाँ से जो है ढलाई वाली रास्ते जो है प्रारंभ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है ढलाई वाली है, और समझ में नहीं आता है इधर में ढलाई वाला रास्ता क्यों बना दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कारण है। उड़ीसा रूट में भी जाइए तो उधर भी ढलाई वाले रास्ते मिलते हैं, इधर भी वही। आप सामने देखिए इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे, मतलब इंडिया के जितने भी टॉप कंपनी है मैक्सिमम कंपनी के फैक्ट्री जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यही जो है कलाईकुंडा रेल ब्रिज है, हावड़ा से जितनी भी ट्रेन आती है इसी रूट से जाती है, वो झारग्राम के तरफ मुंबई के तरफ। और ये आप स्ट्रेच देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एक ब्रिज उधर से उठ रही है, एक ब्रिज इधर डाउन हो रही है, और यहाँ से जो है लगभग आपको फॉरेस्ट टाइप का टच मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इस रेल ब्रिज के इस पर आएंगे, आपको जंगल शुरुआत जो है कुछ यहीं से ये जो देख रहे हैं ये मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ के बारे में एक जानकारी हम देते हैं, आज से करीब 8-9 साल पहले हम बाइक से जो है डिस्कवर 150 से यहाँ आते थे सप्ताह में एक दिन, और सुबह 4 बजे निकलते थे। निकलने के बाद जो है वही 3-4 घंटा लगता था आने में यहाँ पे, और आकर के इस साइड पे कलाईकुंडा में जो है 4-5 फैक्ट्री था, यहाँ पे सारा काम करते थे, करके और बैक कर जाते थे। तो एक बार मेरा बाइक जो है, एक बाइक हम यहाँ पे एक पार्टी के घर में खड़गपुर में पार्टी का घर था वहीं पे रख दिए हुए थे, तो एक दिन वहाँ से निकले और वो बाइक जो है ख़राब हो गया, और यहाँ पे रिपेयरिंग करवाने के लिए दिए, तो बोले कि यहाँ पे इसका स्पेयर मिलेगा नहीं, आप कलकत्ता ही लेकर के जाइए। तो फिर नेक्स्ट वीक जब हम डिस्कवर लेकर के आए तो ठीक इसी इलाका से, ये आप जंगल देख रहे हैं इसके भीतर में भी एक फैक्ट्री था मेरा पार्टी था, ठीक इसी इलाका से बाइक को टो करके डिस्कवर हम चला रहे थे, और BY के बाइक जो मेरा यहाँ रखे हुए थे जो ठीक नहीं हुआ उसको टो करके जो है कलकत्ता लेकर के गए। वो भी टाइम जो था रात 8:30 बजे यहाँ से निकले, तो जिस पार्टी के यहाँ था वो बोल रहे हैं कि अरे भाई इतना रात में जाओगे तो कैसे जाओगे, माथा खराब हो गया है कि नहीं। हम बोले ठीक चल जाएंगे हम लोग, और मेरा मामा का लड़का जो था वो BY के बाइक के ऊपर बैठा हुआ था, और हम डिस्कवर चला रहे थे एकदम धीरे धीरे। रात 1 बजा घर हम लोग जो है पहुंच गए। तो कलाईकुंडा के बारे में जो है कुछ इस प्रकार की ही मेरा जो है, मतलब चूंकि हम इतने सालों बाद यहाँ से आए तो वो सारा मेमोरी जो है फिर से ताज़ा हो गया। और अब देखिए काफ़ी नज़दीक जो हैं लोधा सुली के पहुंच रहे हैं हम लोग, मैप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ दिखा भी रहा है, और रास्ता आप देखिए इधर का, और नज़ारा देखिए। यही पाने के लिए बाइक यही मज़ा आपको देता है, जो और कहीं और कोई ट्रांसपोर्ट में वो मज़ा मिलेगा नहीं। ये दाहिने साइड जो आप देख रहे हैं ये रेल लाइन, यही टाटा होते हुए जो है सीधे ये वाली रेल लाइन जो है ये टाटा होते हुए सीधे जमशेदपुर चली जाती है, और देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पूरे एरिया, वाह। और बाईं ओर ये जंगल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इतना ठंडा खाने के बाद अब जो है नज़ारा जो है मिलना जो है प्रारंभ हुआ है। अब कोई चाय दुकान अगर मिले इस जंगल में
तो गाड़ी रोक करके चाय पिया जाए। जैसे ही आप खड़गपुर पार कीजिएगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है टोटली चेंज हो जाता है। मतलब देखिए, पूरा जंगल बाएं साइड जो है पूरा जंगल ही भरा हुआ है, और ये रास्ता भी मतलब जो है छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर से ही ये गुजरता है ये रास्ता। तो बहुत ही आप मतलब इस रास्ते में जब गाड़ी चलाएंगे तो काफ़ी अजीब टाइप का फील होगा, ठीक मतलब खड़गपुर पार करने के बाद, कि इधर में क्या हो गया, पूरा जंगल है जंगल है, और उधर में खेती पथारी हो रहा था, इधर में जो है जंगल भरा हुआ है। तो देख सकते हैं दृश्य कुछ इसी प्रकार का है। यही रास्ता जो है सीधे रांची भी चली जाती है, और आप इस रास्ते का एक चीज देखिएगा, रास्ता जो है कहीं समान आपको मिलेगा नहीं, समतल टाइप का, डाउन एंड अप डाउन एंड अप। आप देखिए रास्ता जो है अभी पूरी डाउन हो गई है, सामने जो है झारखंड नंबर गाड़ी जा रही है, और उसके बाद फिर जो है रास्ता जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। तो भाई अपना जावा जो है अभी तक का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा दे रहा है। तो आप देखिए रास्ते जो है कितने डाउन हो रहे हैं, और दोनों ओर जो है फॉरेस्ट है, लोधासुली के काफी निकट हम पहुंच चुके हैं, और किलोमीटर माइल में दिखा रहा है 967 किलोमीटर नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर 967 किलोमीटर। बाप रे, बाइक से जाने में तो लगता है दो दिन तो लग ही जाएगा, हाल खराब हो जाएगा एकदम। लेकिन जो बोलिए, रास्ता जो है बहुत अच्छा है, मतलब कहीं कोई कमी, नेशनल हाईवे में कोई कमी नहीं है, एकदम मक्खन। तो भैया यही लोधासुली है नीचे से, और सीधे मुंबई रांची। तो मुंबई रांची वाले को बाय बाय, अब हम लोग लोधासुली से दाहिनी ओर मुड़ेंगे, मैप में भी दिखा रहा है। तो लोधासुली मोड़ यही है, और यहीं से जो है अंडरपास दिया गया है दाहिनी ओर, और यही सामने सीधे रास्ते जो है, सीधा रास्ता जो देख रहे हैं यही झारग्राम चली जाती है। तो चलिए अब हम लोग सिंगल रास्ते में प्रवेश कर गए हैं। इस रास्ते में डिस्टेंस जो है अभी भी 52 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वही एक डेढ़ घंटा तो और लगेगा भैया। तो अभी झारग्राम वाले रास्ते में बाइक चला रहे हैं, और आप देख सकते हैं रास्ते जो है काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब है। अभी हम जो हैं साल बोनी बोल करके जो जगह है वो क्रॉस कर रहे हैं, और आप दोनों तरफ साल बोनी का ही सिर्फ गाछ देख सकते हैं, बहुत गाछ है। और रास्ता भाई बंगाल की इस प्रकार की अगर होगी तो क्या बताएं, मतलब इतनी खतरनाक रास्ता है, बड़ा बड़ा पॉटहोल है, और क्या बताएं आप। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा आप देखिए, यहाँ हम रुके थे 5 मिनट के लिए, आप लोग समझ गए होंगे। तो दृश्य देखिए कितनी सुंदर है, सूरज भगवान उगे हुए हैं, गांव की माहौल कोई नहीं है, और देखिए सामने में धान की इधर हरी वाली धान है लगी हुई, अभी पकी भी नहीं है, और इधर की धान देखिए काट करके रखा गया है इस साइड वाली धान। अभी जो आप ये एरिया जो देख रहे हैं, इस एरिया में रास्ते के इस तरफ से उस तरफ हाथी जो है गुजरती है, सरकार के द्वारा जो है बहुत सारे बोर्ड लगाए गए हैं, एलिफेंट कॉरिडोर लिखा गया है बोर्ड के ऊपर। आप देख सकते हैं पूरा दिन के टाइम में ही सुबह हो चुकी है, लेकिन पूरा अंधकार है, कितनी घनी जंगल है आप देख सकते हैं। और झारग्राम जो है अब यहाँ से 4 किलोमीटर है। झारग्राम एक समय जो है माओवादी के लिए जो है एकदम प्रसिद्ध था, लोग मतलब दिन क्या कभी आना ही नहीं पसंद करते थे इधर डर के मारे। आप देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है देखने में, हमको तो दीने में डर लग रहा है।
तो अब झाड़ग्राम जो है कुछ क्षण में जो है हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, और जितना गांव के तरफ जा रहे हैं उतना ठंडा लग रहा है। तो अभी जो आप शहर देख रहे हैं यही झाड़ग्राम शहर है, और झाड़ग्राम शहर के बीचों बीच से हम गुजर रहे हैं। तो अभी सुबह के टाइम में सारे मार्केट बंद हैं। पिछले बार जब एक बार दोस्तों के साथ जब आए थे तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी क्या बताएं आपको। तो झाड़ग्राम शहर जो है कुछ इस प्रकार का है। एक समय में ये एरिया जो था पूरा माओवादी के चंगुल में था, आज देखिए इतना डेवलप कर गया है कि रिलायंस ट्रेंड से लेकर के जितने भी मेजर शोरूम होने चाहिए सारे शोरूम हमें दिख गए हैं। तो झाड़ग्राम का मेन चौराहा जो है यही है जो आप सामने देख रहे हैं, और बहुत विकास कर गया है, मतलब बहुत उन्नति हो गया है। अब कोई प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सब लोग एकदम फ्री इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो झाड़ग्राम बेलपहाड़ी वाले रास्ते में इतने देर चलाने के बाद बाइक, अब जा कर के रास्ता जो है काफ़ी अच्छा मिला है। रास्ते की व्यू देखिए यहाँ से कितनी सुंदर लग रही है। सिल्ला मार्केट पहुंच चुके हैं, अब यहां से बाएं मुड़ना पड़ेगा बेलपहाड़ी के लिए। अब बेलपहाड़ी जो है मात्र 3 किलोमीटर बचा है। बेलपहाड़ी में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, सामने बेलपहाड़ी दिख रही है। तो दोस्तों ये जो मार्केट देख रहे हैं यही बेलपहाड़ी है। तो बेलपहाड़ी हम पहुँच चुके हैं, अब जो है यहाँ से पवित्रा होम स्टे की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर और है। तो पवित्र होम स्टे वाला रास्ता जो है अभी पकड़ लिए हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों अब व्यू देखिए बेल पहाड़ी के डीप जंगल का, देखिए नज़ारा क्या है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पवित्र होम स्टे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपने घर से जो है 5:06 पे निकले थे और यहाँ लगभग 9 बजे पहुँच गए। तो लगभग वही जो है चार घंटा गूगल भी बोला था, 4 घंटा लगा भी हमें यहाँ आने में। पूरा यहाँ का डिटेल हम बताएंगे। तो इस ब्लॉग की समाप्ति जो है यहीं पे करते हैं।